ओके सो लास्ट हमने क्या पढ़ा था, सुएस क्राइसिस. ओके हमने क्या पढ़ा, सुएस क्राइसिस. अब हम पढ़ते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली कैसे अनफोल्ड हुआ था, उसका बैकग्राउंड बताता हूँ. सो क्यूबा, सबको पता है क्यूबा इज अ कंट्री ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये मान लो यूनाइटेड स्टेट्स है, ये फ्लोरिडा है. और एक और चीज है मेरे भाई लोग, ओके माय माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक चीज आपको याद दिलाता हूँ, जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री का आंसर लिखो हमेशा मैप बनाओ, हमेशा हमेशा मैप बनना ही बनना है. आप घर पे या ड्यूरिंग स्टडिंग आप प्रैक्टिस करके जाओ, इस टाइप का मैप बना दो, कोई आपको मार्क्स नहीं काट सकता है. इजिप्ट का मैप बनाना है, ऐसे बना दो, ओके और शो कर दो कि ये है. बहुत ज्यादा कार्टोग्राफिक तरीके से आपको नहीं बनाना है, लेकिन बेसिक स्केच आप बना दो, तो दैट विल बी हेविली अप्रिशिएटेड बाय द एग्जामिनर. ओके सो क्यू, ये फ्लोरिडा है. फ्लोरिडा आपको पता है इट्स द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स. सो फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा से 40-50 किलोमीटर ही दूर है क्यूबा. स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, ओके हैज बीन इंडिपेंडेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पर एक इसका प्रेसिडेंट था, उसका नाम था बतिस्ता. ओके बतुतिस्ता या बटिस्टा, गैब्रियल बटिस्टा, ठीक है बाउटिस्टा या बटिस्टा. सो गैब्रियल बाउटिस्टा जो था, ही वाज बेसिकली दी डिक्टेटर ऑफ क्यूबा. उसके समय में क्यूबा वाज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, हेविली कैपिटलिस्ट कंट्री. इतना कैपिटलिस्ट था दैट द अमेरिकन यूज टू गो टू टू क्यूबा फॉर फॉर हैविंग फन, क्योंकि कैसीनोस, क्यूबा में कैसीनोस बड़े भयानक होते थे. एंड क्यूबा में शुगर केन की कंपनीज ऑपरेट करती थी. बनाना रिपब्लिक बताया था, याद है सभी को, बनाना रिपब्लिक. उसी तरीके से क्यूबा वाज अ शुगर केन रिपब्लिक, मतलब क्यूबा में अमेरिकन कंपनीज शुगर केन कंपनीज थी. एक मूवी देखी होगी आपने गॉडफादर, तो गॉडफादर 2 में दिखाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गॉडफादर 2 में दे हैव शोन जो क्यूबन रेवोल्यूशन है. यस यस क्यूबा वाज अ मेजर मेजर एक्सपोर्टर. लेकिन जो कंपनीज थी, शुगर केन वाली कंपनीज थी, दैट वाज ओन्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स कॉरपोरेशंस. और बड़ी ही हाई लेवल की पॉवर्टी थी क्यूबा में, बड़ी ही हाई लेवल की पॉवर्टी थी. कुछ लोग अमीर थे, दैट मींस कि जो गैप था बिटवीन द रिच एंड द पुअर दैट वाज एक्सट्रीम. इतना एक्सट्रीम था कि यूनाइटेड स्टेट्स वाले, जो कैपिटलिस्ट खुद के एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो शर्मा जाते थे. इतना वहां पर इशू था इस बात का, बहुत गरीब लोग रहते थे, थोड़े थोड़े अमीर थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग. सो क्यूबा में क्या हुआ, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया. कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वाज लेड बाय अ पर्सन नेम्ड फिदेल कैस्ट्रो, और एक और बंदा था विच वाज वेरी पॉपुलर, हु वाज एन एड ऑफ फिदेल कैस्ट्रो, उसका नाम था चे गुएवारा. उसके टी शर्ट्स वगैरह आप सभी पहनते हो, लिवाइज वगैरह का आई थिंक आता है वो सरोजनी मार्केट में, इफ यू गाइज रिमेम्बर, सरोजनी मार्केट में काफी पॉपुलर था व्हेन आई वाज अ किड. तो चे गुएरा और फिडेल कैस्ट्रो वगैरह ने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट गैब्रियल बतिस्ता. और बतिस्ता के अगेंस्ट जो स्टार्ट किया उन्होंने, वो फाइनली इट हैपेंड कि बतिस्ता हैड टू फ्लेड द कंट्री, ही हैड टू फ्ली द कंट्री एंड ही हैड टू रिजाइन एज प्रेसिडेंट. ओके देन यहां पर क्या हुआ कि जो क्यूबा है, ऑब्वियसली दे बिकेम अ यूएसएसआर एलाई ओवरनाइट. पहले यूएसए एलाई थे, जैसे ही रेजीम चेंज हुआ दे बिकेम यूएसएसआर एलाई. अब यहां पर क्या हुआ कि कोल्ड वॉर चल रहा था, इट वाज एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर. और हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, इट स्टार्टेड प्लेसिंग मिसाइल्स, इट स्टार्टेड प्लेसिंग मिसाइल्स इन इटली एंड अदर कंट्रीज, अदर यूरोपियन कंट्रीज, मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, आईसीबीएम्स. ओके आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक नाम उसका मिनट मैन है, मिनट मैन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स. ओके दे स्टार्टेड प्लेसिंग दोज मिसाइल्स इन इटली एंड अदर कंट्रीज. तो इटली में प्लेस करने से क्या हुआ, दैट यूएसएसआर वाले डर गए कि यार ये इटली में प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब मॉस्को वगैरह में विद इन 5 to 10 मिनट्स दीज मिसाइल्स कैन कम एंड डिस्ट्रॉय मॉस्को एंड अदर बिग सोवियत सिटीज, अगर वॉर होता है तो. और हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुआ है. सो दे सेड कि करे क्या, तो ये बोलते हैं कि चलो यार क्यूबा में मिसाइल्स लगा देते हैं, क्यूबा हमारा एलाई बन चुका है. ओके उस समय क्यूबा वाज जस्ट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ कैपिटलिस्ट टू कम्युनिस्ट कंट्री. सो
क्यूबा में हम लगा देते हैं, क्यूबा में लगाएंगे तो यूनाइटेड स्टेट सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर रहेगा। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स वाले आके हमारे इटली में लगा दिया, तो हम पे बेसिकली हम इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन में आ गए। लेट अस डू द सेम टू देम। देन बे ऑफ पिग्स इन्वेजन हुआ था। सो बे ऑफ पिग्स इज इन क्यूबा ओनली। तो वहां पर सीआईए वालों ने क्या किया था, जो क्यूबन डिसिडेंट्स थे, बहुत सारे क्यूबन डिसिडेंट्स जो थे, क्यूबा के लोग थे, दे स्टार्टेड गोइंग टू यू नो इन डिंगीज एंड बोट्स। बाउटिस्टा के जो सपोर्टर्स थे, दे वर सम मिडिल क्लास एंड रिच क्यूबन्स हु वर द सपोर्टर्स ऑफ बाउटिस्टा, और बाउटिस्टा के सपोर्टर्स थे, दे स्टार्टेड गोइंग टू फ्लोरिडा। आज भी फ्लोरिडा में एक बड़ा क्यूबन कम्युनिटी रहता है। तो उस समय बहुत सारे मिडिल क्लास और रिच क्यूबन्स ओवर नाइट दे थॉट कि यार अब तो मेरा प्रेसिडेंट, जो फेवरेट प्रेसिडेंट था, जिसके अंडर हमने इतनी कमाई की, वो तो चला गया, एंड आई विल बी डीम्ड एज अ एनिमी टू द कम्युनिस्ट, तो लेट मी गो टू फ्लोरिडा। और कोई कोई तैर के चला गया, कोई बोट्स में चला गया, कोई ओवरनाइट ऐसे चला गया। लेकिन फिर सीआईए ने क्या किया, सीआईए इज द फॉरेन इंटेलिजेंस आर्म ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जैसे हमारा रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसी तरीके से सीआईए होता है अमेरिका का। तो उन्होंने क्या किया, बे ऑफ पिग्स में एक क्यूबा में जगह है, वहां पर उन्होंने नॉर्दर्न टिप पे हेलीकॉप्टर वगैरह से उतारने शुरू कर दिए क्यूबन डिसिडेंट्स, उनको ट्रेन कर करके, जो क्यूबन्स आए थे बाउटिस्टा के सपोर्टर्स, उनको ट्रेन कर करके दिस सेट, एंड इट फेल्ड स्पेक्टैक्युलरली, इट फेल्ड स्पेक्टैक्युलरली। यस, द यूनाइटेड स्टेट्स प्लेस्ड वॉरहेड्स इन यूरोप एंड द सोवियत। यस, यू आर करेक्ट। ठीक है, सो दिस फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन डीपेंड द मिस्ट्रस्ट बिटवीन द यूएसए एंड क्यूबा। तो क्यूबा और यूएसए के बीच में जो लड़ाई हुई थी ऑलराइट, वो और इंटेंसीफाई हो गई इसके वजह से। और उसके बाद कास्त्रो ने बोला कि यार ये अमेरिकन के साथ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, हम अमेरिकन के साथ कुछ कर ही नहीं सकते, लेट अस फॉल इनटू दी यू नो दिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। ओके, ठीक है। तो देन यूएसएसआर दे फेल्ट द नीड टू बैलेंस द यूएसएस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, बिकॉज इटली वगैरह में लगा चुके थे। सो दे डिसाइडेड टू प्लेस द न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा, एंड यूएसएसआर के पास अब एक पोटेंशियल फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई थी, बिकॉज अब यूएस का जो कोस्ट है वो कवर हो गया था, तुरंत यूएस के बिग सिटीज पे मार सकता था यूएसएसआर का मिसाइल्स। फिडेल कैस्ट्रो सॉट सोवियत सपोर्ट ड्यू टू इकोनॉमिक एम्बार्गो इम्पोज बाय द यूएस एंड द कंस्टेंट थ्रेट ऑफ इन्वेजन। तो दिस इज वेरी वेरी यू नो इजी टू कॉम्प्रिहेंड। जब क्यूबा के साथ सारे रिलेशनशिप खत्म हो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स के, एंड उसके चलते उन्होंने क्या किया, अपना जो इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया, कोई भी चीजें एक्सपोर्ट होने नहीं दे रहे थे, कोई भी चीजें इम्पोर्ट होने नहीं दे रहे थे। और उसके वजह से यूएसएसआर ने क्या किया, स्टार्ट ट्रेडिंग विथ थ्री कंट्रीज। नाम बता सकते हो कौन कौन से कंट्री, तीन कंट्री के साथ अपना ट्रेड को बढ़ा दिया। उन कंट्रीज का नाम था यूएसएसआर, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दैट इज द ईस्ट जर्मनी, और डीपीआरके, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये तीन मेजर एलाइज निकल के आए क्यूबा के आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोज्ड एम्बार्गो। सो सबसे पहले देयर वाज डिस्कवरी ऑफ मिसाइल इन अक्टूबर 1962। अब बताओ यहां पर अक्टूबर 1962 का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? ये इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है, इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर। अब यहां पर देखो, अब आपको समझ में आया व्हाई द वेस्टर्न वर्ल्ड कुड नॉट हेल्प अस इन द इंडो चाइना वॉर। वी रिक्वेस्टेड अमेरिकन फाइटर जेट्स। नेहरू ने लिख के दिया था कि दैट अमेरिकन फाइटर जेट शुड कम, यूएसए शुड गिव अस सम सपोर्ट। केनेडी, जॉन एफ केनेडी जो थे उस समय प्रेसिडेंट थे, ही कुड नॉट हेल्प अस। व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ डेट क्या है, उस समय ही वाज डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, सो यूएस रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट जो है डिस्कवर्ड सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स इन क्यूबा, विच स्पार्क्ड अ मेजर क्राइसिस। यूएस रिस्पॉन्स क्या था, सो जो जॉन एफ कैनेडी है, ही चोज द मेजर्ड रिस्पॉन्स, ही इम्पोज्ड अ नेवल ब्लॉकेड अराउंड क्यूबा, प्रिवेंटिंग फर्दर सोवियत शिपमेंट। वो देखा आपने एक्स मैन,
हैव यू सीन द मूवी एक्समैन? उसमें ये सीन है, यू 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 गाइज रिमेम्बर, एक्समैन में ये सीन है जिसमें वो मिसाइल्स चले जाते हैं एंड दे सेड कि यू नो अब हम बच नहीं पाएंगे, गॉड गॉड हेल्प द वर्ल्ड. यस, सो उन्होंने क्या किया, नेवल ब्लॉकेड लगा दिया वहां पर, एंड सोवियत शिप्स एंड यूएस शिप्स, इट केम फेस टू फेस. यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था. पता है क्या ब्लंडर हुआ था? ब्लंडर हुआ था दैट देर वॉज अ सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन, सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन जिसके पास न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल थे. उसका अगर उसको ऑर्डर्स थे कि अगर हमारे तरफ से कोई भी यूएसएसआर के तरफ से, मॉस्को की तरफ से किसी भी तरीके का वो नहीं आएगा, अगर आपको कट जाएगा, मैं ऐसे समझाता हूँ. देखो अगर उनको क्या ऑर्डर्स थे, सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन विच वाज इन द वाटर्स ऑफ क्यूबा, उनको क्या ऑर्डर्स थे दैट बेसिकली अगर कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाएगा तो आप ये समझ लेना दैट यूनाइटेड स्टेट हैज स्ट्रक अस विथ न्यूक्लियर मिसाइल्स, और अगर कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाएगा तो यू आर फ्री टू लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स. तो ये अंदर चला गया वाटर के, जब वाटर के अंदर चला गया तो दे वेयर नॉट अवेयर कि उनका कोई टेक्निकल डिफिकल्टी के वजह से, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच, उनका कम्युनिकेशन ब्रेक ऑफ हो गया है. नाउ जो कमांडर था उस सोवियत सबमरीन का, ही सेड कि भाई मॉस्को खत्म हो गया, ये यूएसएसआर जो है इट इज फिनिश्ड, नाउ लेट अस फिनिश द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल, लेट अस लॉन्च दीज मिसाइल्स ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स. बट वहां पर क्या हुआ, जो उसके जूनियर ऑफिसर्स थे उस सबमरीन के, दे सेड कि हम इसकी इजाजत आपको नहीं देते हैं, बिकॉज टू लॉन्च, ओके टू लॉन्च दी मिसाइल्स यू नीड दी अप्रूवल ऑफ ऑल दी थ्री सीनियर मोस्ट ऑफिसर. तो सीनियर जो ऑफिसर था ही सेड कि चलो यूएसए को बर्बाद कर देते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन कट गया, इसका मतलब यूएसए ने खत्म कर दिया मॉस्को को. लेकिन जो जूनियर्स है दे सेड कि नहीं सर आप कंफर्म करो, ओके यू कंफर्म दिस. देन जो न्यूक्लियर मिसाइल था, सबमरीन था, उसको ऊपर आने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के जो ऊपर, दे ऑल्सो वेंट इन टू पैनिक कि ये चला कहाँ गया, ऑल दिस यू नो दिस सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल गायब हो गया था सबमरीन. दे स्टार्टेड सेंडिंग डेप्थ चार्जेस नीचे, और उसके वजह से दे इट हैड टू सरफेस अप. उसके बाद उसको पता चला नहीं यार ये कम्युनिकेशन गैप था, नहीं तो उस समय वी केम वेरी क्लोज टू टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर विंटर के अंदर आ जाता अगर उस समय वो सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल डाल देता. दैट्स व्हाई इट इज सच अ डेलिकेट यू नो हिस्टोरिकल, दिस इज अ वेरी डेलिकेट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, दिस इज अ वेरी डेलिकेट हिस्टोरिकल स्टोरी. अगर यहाँ पर कुछ हो जाता तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता. सो इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दोज जूनियर्स दैट वी वेर सेव्ड. देन केनेडी ऑल्सो प्रिपेयर्ड मिलिट्री फोर्सेस फॉर अ पोटेंशियल इन्वेजन ऑफ क्यूबा विच लेड टू अ हाइटेंड स्टेट ऑफ अलर्ट. देन उसके बाद क्या हुआ, बिहाइंड द सीन्स केनेडी क्रुश्चेव बात करने लगे एक दूसरे से, दे स्टार्टेड ओपनिंग डिप्लोमेटिक चैनल की ठीक है तुम भी अपने मिसाइल्स हटाओ, मैं भी तुम्हारा मिसाइल हटाता हूँ. देन बोथ लीडर एक्सप्लोर्ड ऑप्शन ऑफ डी एस्केलेशन विदाउट लूजिंग फेस. देखो क्रुश्चेव भी अपने लोगों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था और कैनेडी भी अपने लोगों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते थे. वो बोथ सेड कि तुम भी पीछे हटो मैं भी पीछे हटता हूँ, ऐसा दो एक दूसरे के कंट्री में हम दिखाएंगे कि सामने वाला हारा है. सेम थिंग हैपेंड इन डोकलाम. डोकलाम में क्या हुआ था कि बोथ कंट्रीज दे विड्रू, ओके इंडिया चाइना बोथ कंट्रीज विड्रू, लेकिन दोनों ने क्या दिखाया, चाइना ने अपनी कंट्री में दिखाया कि हम इंडिया पे जीत गए, इंडिया ने अपनी कंट्री पे अपने न्यूज वगैरह में चलाया कि हम जीत गए, लेकिन वो क्या था, इट वॉज अ मेजर डी एस्केलेशन फ्रॉम बोथ पार्टी. ओके नो नॉट बालाकोट, बालाकोट वॉज अ वन वे ट्रैफिक, ओके हमने उनकी अच्छी से ली थी. देन रेजोल्यूशन क्या होगा, क्रुश्चेव इवेंचुअली अग्री टू रिमूव द मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा अवॉइडिंग अ डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन. इन रिटर्न द यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिकली प्लेज्ड नॉट टू इन्वेड क्यूबा एंड प्राइवेटली अग्रीड टू रिमूव यूएस मिसाइल्स फ्रॉम टर्की. टर्की और इटली के जो मिसाइल्स थे उसने रिमूव कर दिए और क्यूबा को ना इन्वेड करने की कसम खाई. इसीलिए आपने देखा होगा कि रजीम सर्वाइव कैसे कर गई, क्यूबन रजीम इतनी पुअर, इतनी पुअर रेजीम, इतनी पुअर्टी स्ट्रिकन रेजीम, वहां पर ड्राइवर की सैलरी क्यूबा में
ड्राइवर की सैलरी जो ड्राइवर कमाता है प्राइवेट टूरिस्ट को फेरी करने से, दैट इज 100 टाइम्स मोर देन व्हाट अ मेडिकल डॉक्टर गेट्स. मेडिकल डॉक्टर की सैलरी $18 है, और एक ड्राइवर की सैलरी जो प्राइवेट टूरिस्ट को फेरी करता है तो $1,000 है. एंड जो डॉक्टर्स होते हैं वो कैब ड्राइवर का काम कर रहे हैं आज के डेट में. नर्स, डॉक्टर, टीचर्स, सिविल सर्वेंट्स, दे हैव लेफ्ट देयर ऑक्यूपेशन एंड दे आर वर्किंग एज ड्राइवर्स. ओके, वो कल्चर होता है दोस्त. कोई कंट्री देखो, छोटी छोटी कंट्री अच्छी अच्छा कर जाती है सर्टेन स्पोर्ट्स में, जैसे न्यूजीलैंड है, वो इतना अच्छा कैसे रग्बी में. ओके ठीक है. यस, मेडिकल टूरिज्म इज अ थिंग बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने थोड़ा सा फोकस कर लिया था. आज के डेट में दे हैव गॉन डाउन. आज के डेट में क्यूबा का मेडिकल टूरिज्म में वो वाली बात नहीं रही. ऑलराइट, ये जो बिहाइंड द सीन्स डील थी जिसमें प्राइवेटली हटाना था मिसाइल और पब्लिकली क्यूबा को इन्वेड ना करना था, और क्रुश्चेव ने सोवियत मिसाइल्स को हटाया क्यूबा से. ओके, उसमें बेसिकली एक तरीके का डीएस्केलेशन हुआ. उसके बाद न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल, जो उसका लेगेसी क्या है, व्हाट इज द लेगेसी, तो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी वगैरह उसके बाद डिस्कस होने लगी कि यार यहाँ पर तो क्यूबा में ऑलमोस्ट वी लॉस्ट द ह्यूमन सिविलाइजेशन. ओके, सो क्राइसिस हाईलाइटेड द अर्जेंट नीड फॉर आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट्स. द अवेयरनेस लेड टू साइनिंग ऑफ द LTBT. व्हाट इज द LTBT? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी इन 1963, जिसमें न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन को का प्रॉमिस किया गया था, दैट कभी भी अगर न्यूक्लियर आर्म्स का अगर होता है, इस तरीके का टेस्ट करना है, तो आपको सामने वाले कंट्री को बताना पड़ेगा, और आपके इंस्पेक्टर्स मेरे कंट्री में आएंगे और मेरे इंस्पेक्टर आपकी कंट्री में आके आपका न्यूक्लियर फैसिलिटी देखेंगे. यस, रशिया ने पुल आउट किया, लेकिन दूसरे से किया है, उसने स्टार्ट से किया है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी से किया है. ओके, तो देर वॉज स्टार्ट वन और स्टार्ट टू. ओके, देन देर वॉज अ शिफ्ट इन कोल्ड वॉर डायनेमिक्स. बोथ सुपर पावर्स रियलाइज द रिस्क ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. उसके बाद कोई भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था. आफ्टर द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस उन्होंने क्या लड़ा? प्रॉक्सी वॉर लड़ा, वियतनाम में लड़ा, अफगानिस्तान में लड़ा, इंडिया में लड़ा, मतलब जो बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ था, ऑल दीज वेयर प्रॉक्सी वॉर्स. देन इट ऑल्सो लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द व्हाइट हाउस एंड द क्रेमलिन. क्रेमलिन जिसको हॉटलाइन बोलते थे, दोनों कंट्री में एक फोन था जो डायरेक्ट एक दूसरे से बात करवाता था. तो सपोज अगर मान लो कि लगे कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स लॉन्च हो गए हैं, ऐसा हुआ था यूएसएसआर में. क्या हुआ था 1980s में, दैट एक उनका जो रेडार सिस्टम था दैट मैल फंक्शनड. रेडार सिस्टम मैल फंक्शनड, और वो बताने लगा कि 700 मिसाइल्स यूनाइटेड स्टेट से यूएसएसआर की तरफ आ रहे हैं. इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दी कामनेस एंड दी इनजेन्यूटी ऑफ दी रेडार ऑपरेटिव. जो रेडार ऑपरेट कर रहा था बंदा, उसने पास नहीं किया ये इंफॉर्मेशन. क्या किया उसने? पास नहीं किया. एंड ही सेड कि नहीं, कुछ दिक्कत है, सिस्टम में दिक्कत है. फिर सिस्टम ठीक किया तो सिस्टम वापस से रीसेट हुआ, तब जाके उसको पता चला नहीं यार ये तो गलत बता रहा था, कोई मिसाइल आ नहीं रहा है. अदरवाइज वो भी एक टाइम था जहां पर खत्म हो सकता था, लेकिन हॉटलाइन बना दिया उन्होंने और एक दूसरे से बात कर सकते थे डायरेक्ट फोन से कि भाई तुम मिसाइल लॉन्च कियो. देन ही सेड कि नहीं भाई हमने नहीं किया. ओके भाई कोई बात नहीं. ठीक है, क्यूबा पे क्या इम्पैक्ट हुआ था? इट सॉलिडिफाइड कास्ट्रोज रेजिम, बे ऑफ पिग इन्वेजन, और ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक तरीके से जो कास्ट्रो का होल्ड था पावर पे क्यूबा पे, दैट वॉज सॉलिडिफाइड. देन इससे क्या बोल सकते हैं, व्हाट आर द लेसंस दैट वी कैन लर्न? ब्रिंकमैनशिप एंड डिटेंट. ओके, क्राइसिस डेमोन्स्ट्रेटेड द डेंजर्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप, जो एक बेलिजरेंट नेचर है कि भाई तुरंत लड़ जाना. ओके, स्पेशली इन अ न्यूक्लियर आर्म्ड वर्ल्ड. इन अ न्यूक्लियर आर्म्ड वर्ल्ड, ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम काम पेशेंट वे में देखें. ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको दे दिया, प्लीज इसको देखना. हाउएवर इट ऑल्सो हाईलाइटेड द पोटेंशियल फॉर नेगोशिएशंस एंड कॉम्प्रोमाइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली यूपीएससी के कंटेक्स्ट से. यूपीएससी आपसे एनालिसिस पूछ सकती है कि भाई क्या सीखा वर्ल्ड ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, तो आपने बोला नेगोशिएशंस एंड कॉम्प्रोमाइज इज द ओनली वे फॉरवर्ड, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड. देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी टू रिड्यूस द क्राइसिस एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैन एंड मशीन. देन सॉवरेंटी एंड सुपर पावर डायनेमिक. आप कितने भी बड़ी बड़े कंट्री हैं,
दूसरे कंट्री की सोवरेंटी को आप रिस्पेक्ट कीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन यूज करके क्यूबा की सोवरेंटी को वायलेट किया, टर्की में मिसाइल लगा के टर्की के सोवरेंटी को वायलेट किया। ओके, सो कंक्लूजन लिख सकते हो, इन कंक्लूजन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस स्टैंड एज अ टेस्टमेंट टू द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। उसका रेजोल्यूशन शोकेस द पावर ऑफ डिप्लोमेसी एंड कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, और उसका जो इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो बहुत ज्यादा है। एक लास्टिंग लेसन है कि भाई न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप से वर्ल्ड कैन बी यू नो वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड्स। इतने इस ह्यूमन सिविलाइजेशन को बनने में हजारों हजारों साल लगे हैं, हजारों हजारों साल लगे हैं, आप उसको 2 मिनट में खत्म कर सकते हो। ये है आपका सुएस कैनाल वाला जो लास्ट हमारा लेक्चर था, तो उसमें दीज पीपल आर द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स जो कि गए थे सुएस मैंडेट में बेसिकली, और ये जाके फ्रेंच और जो ब्रिटिश ट्रूप्स है उसको उन्होंने रिलीव किया था, एंड दे पेट्रोल द एरिया एंड देन दे हैंडेड ओवर द कंट्रोल टू द फाइनली टू द इजिप्शियन आर्मी। ओके, सो एनी एनी डाउट्स दैट यू गाइस हैव इन बोथ द लेक्चर्स, आज काफी अच्छा रहा, वी कवर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स।